अभी यार देखो आईसीआईसी बैंक ने अपना माइंड सेविंग अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस तो बंद कर दिया, लेकिन मार्केट के अंदर एक अलग ही हवा उठ रही है कि जिनका पहले से अकाउंट था वो अकाउंट भी बंद कर दिए जाएंगे। और लोग तो अभी भी इस वहम में जी रहे हैं कि माइन अकाउंट अभी भी ओपन हो रहे हैं। अभी देखो आपको सबके आंसर मिलने वाले हैं, बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। सबसे पहले तो भाई जो लोग इस वहम में जी रहे हैं कि माइन अकाउंट अभी भी ओपन किए जा रहे हैं, मैं वो वहम खत्म करता हूं। अगर आप इनकी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाने पे आपको जब पहले आप जाते थे तब वहां पे एक बटन सा होता था, उस पर क्लिक करके आप माइन अकाउंट ओपन कर लेते थे, लेकिन अभी वो बटन ही गायब हो चुका है। और इनकी एप्लीकेशन के अंदर भी ओपन अकाउंट करके एक ऑप्शन आता था, वो ऑप्शन ही गायब हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ दो अकाउंट ही आ रहे हैं, एक आईसीआईसी का जो रेगुलर अकाउंट है वो, और एक एफडी वाला अकाउंट है वो। माइन अकाउंट हट चुका है। और जिनका अकाउंट ओपन हो चुका है उसमें से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि जब आईसीआईसी बैंक ने अपना माइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बंद कर दिया तो कहीं उनका अकाउंट भी बंद ना कर दे जो पहले से रन कर रहा है। तो यार देखो, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आईसीआईसी बैंक ने ये माइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बंद क्यों किया। देखो जितने भी आईसीआईसी माइन अकाउंट ओपन हो रहे थे वो सारे ऑनलाइन ओपन हो रहे थे, और एक सर्वर नाम की भी चीज होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि आईसीआईसी बैंक इंडिया के थर्ड नंबर पे रैंक करता है। अभी रैंकिंग ऊपर नीचे कभी कभार हो सकती है, लेकिन सबसे पहले एसबीआई है, दूसरा एचडीएफसी और तीसरा है आईसीआईसी बैंक। एसबीआई की सर्विस भाई मैंने खुद अभी 2-3 दिन पहले मैं जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाने गया था इनके ब्रांच में, वहां पे मेरे को कहते हैं भाई आपको 3,000 रुपए सबमिट करवाने पड़ेंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट में 1,000 का इंश्योरेंस होगा और 2,000 रुपए आपके खाते में आएंगे। जब मैंने उनसे रिटर्न में मांगा तो भाई नहीं दिया, फिर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, मैं वापस आ गया। दूसरा एचडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड तो करता है लेकिन बेसिक सेविंग अकाउंट है ये। और थर्ड नंबर पे अब आया आईसीआईसी बैंक, इसकी सर्विस भी फास्ट है प्लस में ये सिक्योर भी है। इंडिया इसे कहता है टू बिग टू फेल, इन तीनों अकाउंट को भाई मतलब कि इनका डूबना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इस वजह से आईसीआईसी बैंक के अंदर ये माइन अकाउंट भाई बहुत ही ज्यादा धड़ल्ले से ओपन हो रहे थे। सिंपली आरबीआई ने ये कहा कि भाई आईसीआईसी बैंक ओपन तो हो रहे हैं अकाउंट, लेकिन इनको संभालने के लिए अपना बैकअप भी तैयार रखना। तो आईसीआईसी बैंक ने सबसे पहले तो आईसीआईसी माइन अकाउंट को जीरो बैलेंस रखा, यानी कि इनिशियल फंडिंग भी जीरो और मेंटेनेंस का भी जीरो। उसके बाद जैसे जैसे अकाउंट और बढ़ने लगे, सबसे पहले तो आईसीआईसी बैंक ने माइन अकाउंट के अंदर इनिशियल फंडिंग 12,000 करी, 12,500 के आसपास, फिर उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया, और अब बढ़ा के उसे 25,000 रुपये कर दिया गया था। और जैसे जैसे अकाउंट और ज़्यादा बढ़ने लगे भाई अकाउंट बंद ही कर दिया, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस खत्म। किसी बैंक के अंदर अकाउंट ओपनिंग करना उस बैंक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन दिक्कत आ जाती है उस अकाउंट को मैनेज भी तो करना है ना, उतने सारे अकाउंट को। तो भाई यही सेम सीन हुआ था पेटीएम के साथ भी और अभी आईसीआईसी माइन के साथ भी हो गया। इसलिए मैं कहता हूं जो अकाउंट जीरो बैलेंस आपको मिल रहा है उसे ओपन कर लो। अगर मैं आपको मार्केट की रियलिटी बताऊं तो कोटक और एयू को छोड़ के अभी ऐसा कोई बैंक अकाउंट नहीं है जो आपको घर बैठे बैठे एक शुद्ध जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा प्रोवाइड करवा रहा हो। अब मैं ये नियो वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं एक ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो भाई अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर लेना, क्योंकि इसमें भी यूजर बढ़ते जा रहे हैं। और भाई मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता भी दिया था कि अगर आपको आईसीआईसी माइन के रिलेटेड और भी ज्यादा अपडेट चाहिए तो सिंपली आप गूगल या फिर क्रोम पे सर्च कर सकते हो moneymore.in, इस चैनल का नाम प्लस में .in, और जो वहां पे आर्टिकल मिलेगा आपको आईसीआईसी माइन का, उसके अंदर जो मैंने एक हेडलाइन भी लगा रखी है कि आईसीआईसी माइन अकाउंट अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और जब ये कंटिन्यू होगा मैं दोबारा से उसे अपडेट कर दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कोटक या फिर एयू, इसमें भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो एयू की तरफ जाओ, और आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए तो सिंपली कोटक की तरफ जाओ। और ये जो मैंने अकाउंट मतलब बताए हैं कि एयू या फिर कोटक की तरफ जाओ, भाई आप एक बार मार्केट के अंदर रिसर्च कर लेना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। बाकी भाई इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी और आईसीआईसी माइन के बारे में जो भी हवा उड़ रही थी उसको थोड़ा सा दबाना था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली इसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।